सो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस एंड वी आर बैक विद क्रेजी फुटबॉल न्यूज। काफी ज्यादा बार्सिलोना की न्यूज चल रही है, निको विलियम्स का क्या बनेगा, डेनी ओल्मो का क्या बनेगा, रफीनिया की क्या न्यूज चल रही है, गुंडोगन की क्या न्यूज चल रही है। वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल, स्पेशली विक्टर रोक की सिचुएशन के ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं विक्टर रोक की सिचुएशन के ऊपर। देखें, एज पर रिपोर्ट्स, जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहे। वो पहले चाभी भी जो है वो उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं रख रहे थे यहाँ पे विक्टर रोक में, और अब एज पर रिपोर्ट्स हांसी फ्लिक भी उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। इस सारी सिचुएशन के ऊपर यार मैंने बहुत दफ़ा अपना जो है वो ओपिनियन दिया, और सिंपल सा ओपिनियन ये है कि जिस बंदे ने भी ये साइनिंग किया है, चाहे वो चाभी की थी, एज पर रिपोर्ट चाभी बिल्कुल भी नहीं चाहते थे विक्टर रोक को, राइट। और उसकी वजह से उनको आपने देखा भी कि उन्होंने खिलाया भी नहीं बिल्कुल भी विक्टर रोक को जितने भी सीजन थे। तो क्लियर इंडिकेशन थी चाभी की तरफ से कि मुझे एक डीएम चाहिए था, आपने मुझे स्ट्राइकर ला दिया या फिर वो प्लेयर ला के दिया जो कि मुझे नहीं चाहिए था। इसके अलावा काफी ज्यादा सोर्सेज ये रिपोर्ट करती हैं कि ये डेको की साइनिंग थी जिसके अंदर लपोटा के भी से थी। इस फाइनेंशियल सिचुएशन में आपने विक्टर रोक के ऊपर 40 मिलियन यूरोज खर्च किए हैं, तो जो भी बंदा रिस्पॉन्सिबल है इस डिपाकल के ऊपर उसको उसको जो है वो रिजाइन करना चाहिए। अब आई डोंट नो कैसे बार्सा आइडेंटिफाई करेगी, और आई डोंट थिंक सो कि कोई भी ये विक्टर रोक की सिचुएशन के अंदर रिजाइन नहीं करने वाला। देखें, अगर एक मैनेजर है, दो मैनेजर हैं, वो दो मैनेजर्स का जो है वो सेम ओपिनियन है कि ही इज नॉट डूइंग इनफ इन द ट्रेनिंग सेशन कि वो फर्स्ट टीम का पार्ट बन सकें या फिर हम उनको चांस दे सकें, तो यू हैव टू ट्रस्ट द मैनेजर। अब ऐसा तो नहीं होगा कि आप तीसरा मैनेजर लेके आए, शायद वो हो सकता है कि यार नहीं वो वेवलेंथ जो है वो सही बैठ रही हो। मैं ये नहीं कह रहा कि विक्टर रोक बुरे प्लेयर हैं, हो सकता है वो किसी और क्लब के अंदर चाहें तो वो बहुत अच्छा करें, तो ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन एज ऑफ नाउ विक्टर रोक के ऊपर हांसी फ्लिक और उनकी जो टीम है वो भी ट्रस्ट नहीं कर रही, तो बार्सा इज लुकिंग अ वे आउट। सऊदी जो है वो एज ऑलवेज इंटरेस्टेड हैं। आई डोंट थिंक सो कि विक्टर रोक जो है यहाँ पे सऊदी जाना चाहेंगे, क्योंकि अगर विक्टर रोक सऊदी जाएंगे तो समझ लेके फुल स्टॉप है उनके करियर के ऊपर। बिकॉज सऊदी के अंदर आप एक दफा चले गए तो वहां से निकलना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी प्लेयर के लिए, चाहे वो यंग हो। और अभी विक्टर रोक तो यंग है, तो मुझे नहीं लगता कि वो सऊदी जाएंगे। बार्सा एवेंचुअली क्या होगा कि शायद बार्सा उनको लोन आउट करेगी, या फिर कोई अगर यूरोपियन क्लब कोई इंटरेस्टेड होगा तो बार्सा उनको सेल कर देगी। एज पर रिपोर्ट्स बार्सा मैंडेटरी ऑप्शन रखना चाह रही है उनकी लोन मूव के ऊपर भी कि वो परमानेंट हो। इसका मतलब ये है कि बार्सा उनको बिल्कुल भी नहीं रखना चाह रही। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, बट यही सिचुएशन है एज पर एज विक्टर रोक इज कंसर्न। अब आ जाते हैं हम थोड़ा निको विलियम्स के ऊपर, क्या निको विलियम्स की न्यूज चल रही है। देखें, एज पर फेब्रिजियो नेक्स्ट मंडे तक या नेक्स्ट वीक तक जो है वो क्लियरेंस हो जाएगी, हो सकता है उससे पहले भी हो जाए। एज पर फेब्रिजियो रोमानो जो मैनेजमेंट है, जो उनकी जो एजेंट्स है, उनसे बार्सा पर्सनल टर्म्स एग्री कर चुकी हुई है, निको का जो है वो यस आना बाकी है। देखें, एजेंट्स के साथ अगर आपने निगोशिएट कर लिया वो भी पहला स्टेप है, बट द मेन चीज जब पर्सनल टर्म्स एग्री होने की बात होती है तो उसके अंदर जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वो ये होती है कि प्लेयर्स यस करे। देखिए, पीएसजी पैरेलल के अंदर है बेहतर ऑफर के साथ, टू बी वेरी ऑनेस्ट 30 क्लब की भी ऑफर बार्सा से बेहतर होगी फाइनेंशियल टर्म्स के ऊपर। अब निको ने डिसाइड करना है, और एज पर रिपोर्ट्स अभी मार्का रिसेंटली रिपोर्ट कर रहा है कि निको ने डिसाइड कर लिया, लेकिन वो पब्लिक नहीं हुआ अभी, तो हो सकता है मोस्ट लाइकली को वो कल तक या परसों तक मैक्सिमम जो है वो पब्लिक हो जाए और निको विलियम्स जो है वो पब्लिकली अनाउंस कर दें, या फिर आपको ये न्यूज आने लग जाए कि पर्सनल टर्म्स जो है वो एग्री हो चुकी हैं। उसके बाद अब 58 मिलियन का रिलीज क्लॉज वो एक इशू रहेगा, पहला स्टेप ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद 58 मिलियन यूरो जो कि अब रिपोर्ट हो रहा है कि 62 मिलियन तक ये चीजें जा सकती हैं और थोड़े बहुत फाइनेंसिस इंक्लूड करके, तो 62 मिलियन वो रिलीज क्लॉज ट्रिगर करना है बार्सिलोना को जब पर्सनल टर्म्स एग्री हो जाएंगे। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन, क्या बार्सा रजिस्ट्रेशन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। देखिए, अगर बार्सा प्लेयर के ऊपर जा रही है, वो निगोशिएट कर रही है, इतनी मल्टीपल सोर्सेज रिपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है बार्सा के पास कोई प्लान है उन प्लेयर्स को रजिस्टर करने का भी। तो निको विलियम्स टू बार्सिलोना पीएसजी है अभी पैरेलल में, यू नेवर नो चीजें चेंज हो जाए, प्लेयर जो है वो डिसाइड कर ले कि भाई मुझे जो है मुझे पैसा ज्यादा चाहिए, तो यू नेवर नो। बट एज ऑफ नाउ एवरीथिंग लुक्स ऑन ट्रैक और निको विलियम्स मोस्ट लाइकली विल बी अ बार्सिलोना प्लेयर। अब दूसरी जो न्यूज आ रही है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है कि बार्सा जो है वो पर्सनल टर्म्स डेनी ओल्मो से भी एग्री कर चुकी हुई है। आपको याद होगा पिछली वीडियो के अंदर कहा था कि एक बिड जो है वो आरबी लाइप्ज़िग ने रिजेक्ट कर दी है डेनी ओल्मो के लिए। कोई भी क्लब जो है वो किसी भी प्लेयर के लिए बिड नहीं करता जब तक उसके लिए उसके साथ पर्सनल टर्म्स जो है वो मोस्ट लाइकली एग्री ना हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पर्सनल टर्म्स जो है वो एग्री हो चुकी हुई है। सिटी भी आपको पता है इस सारी सिचुएशन में इंटरेस्टेड है,
आपको मैंने ऑलरेडी डिटेल्स बताई थी पिछली वीडियो में, 40 मिलियन की बिड थी इंस्टॉलमेंट्स के अंदर, जिसके अंदर वो 60 मिलियन तक का पैकेज जा रहा था टोटल के अंदर। आपको पता है कि डेन्यू ऑल्मो का जो जो रिलीज क्लॉज है वो भी जो है वो खत्म हो चुका हुआ है, तो अब निगोशिएट करना आरबी लाइपजिग से। तो बारसा पर्सनल टर्म्स एग्री कर चुकी हुई है, बारसा एज पर रिपोर्ट्स दे आर वेरी वेल ऑन ट्रैक और वो डेन्यू ऑल्मो को साइन करना चाहते हैं। ये काफी ज्यादा अब मतलब समझ लें कि ये सीरियस चीज हो चुकी हुई है, इसलिए सीरियस चीज हो चुकी है क्योंकि अब रफीनिया, जैसे मैंने आपको कहा कि डेन्यू ऑल्मो को सेल करने की सेंस तभी बनती है जब आप कोई प्लेयर सेल करो, जिसमें एक गुंडोगोन की न्यूज आ रही है कि सऊदी क्लब्स इंटरेस्टेड है। मुझे ऐसा लगता है कि बारसा शायद गुंडोगोन को सेल नहीं करेगी, मोस्ट लाइकली यही सीन रहेगा कि बारसा गुंडोगोन को सेल नहीं करेगी, अनलेस अनटिल कोई सऊदी क्लब आ जाता 40-50 मिलियन पे करने के लिए गुंडोगोन के लिए, और गुंडोगोन भी जाना चाहे, जो कि बाय द वे वो जाना नहीं चाहते क्योंकि सिर्फ एक सीजन हुआ है, ही वॉज वन ऑफ आवर बेस्ट प्लेयर्स लास्ट सीजन। तो बारसा को स्पेस बनानी पड़ेगी। अब जो दूसरा नाम आ रहा है वो काफी अरसे से नाम आ रहा है, अभी दोबारा रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो रफीनिया का है, लेकिन इसके अंदर भी कॉम्प्लिकेशन है, रफीनिया छोड़ना नहीं चाहते। मैं बहुत दफा ये कह चुका हूँ कि अगर बारसा दो प्लेयर्स को निकालती है और डेनी ऑल्मो को लेके आती है तो फिर तो समझ लगती है कि हमें उस पोजीशन के ऊपर, सेंट्रल पोजीशन के ऊपर जरूरत है, ठीक है। अब रफीनिया के लिए कुछ सोर्सेज रिपोर्ट कर रही हैं कि सऊदी क्लब्स इंटरेस्टेड हैं, एक सऊदी क्लब 65 मिलियन देने के लिए तैयार है, फिर अल नसर की न्यूज आती है कि 100 मिलियन देने के लिए भी तैयार हैं, कुछ यूरोपियन जो है वो क्लब्स वो भी इंटरेस्टेड हैं लेकिन वो शायद उतने ज्यादा पैसे नहीं देंगे। तो अब सारी चीजें डिपेंड करती है, मुझे नहीं लगता कि रफीनिया सऊदी जाएंगे, जैसे मैंने विक्टर रोके केस के अंदर कहा, तो मुझे नहीं लगता पर्सनली कि रफीनिया सऊदी जाएंगे, वो यूरोपियन क्लब में ही जाएंगे, या तो वो बारसा रुकेंगे, ठीक है उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो रुक भी सकते हैं, वो कहे मैंने नहीं जाना तो आप नहीं उनको सेल कर सकते। तो लेकिन अगर कोई इंटरेस्टिंग चीज आती है जो कि अभी तक नहीं आई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है नीको विलियम्स बारसा साइन कर लेगी, डेन्यू ऑल्मो को साइन करने के लिए बारसा हैज टू सेल आइदर गुंडोगोन और रफीनिया, ठीक है। बाकी प्लेयर्स तो आपके इंजर्ड है, आप उनको वैसे भी सेल नहीं कर सकते। तो अभी तक ये न्यूज आ रही है कि नीको विलियम्स ऑन ट्रैक, पीएसजी पैरेलल में चल रही है, आपके पास नीको विलियम्स के ऊपर डिसीजन है, डेनी ऑल्मो को बारसा साइन करना चाहती है, उसके लिए बारसा को प्लेयर्स को सेल करना पड़ेगा जो कि मोस्ट लाइकली रफीनिया और गुंडोगोन में से कोई एक हो सकता है, जिसमें ज्यादातर चांसेस जो है वो रफीनिया के हैं, लेकिन ये इजी ऑपरेशन नहीं होने वाला। डीएम की फिलहाल कोई न्यूज नहीं चल रही बारसा के अंदर, मिकेल मेरिनो इज वेरी गुड, इज गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू आर्सेनल, एज जो रिसेंट रिपोर्ट है फैब्रिजियो भी रिपोर्ट कर चुके हुए हैं कि मिकेल मेरिनो टू आर्सेनल इज वेरी क्लोज, और ऑब्वियसली प्लेयर इतना लेट वेट नहीं करेगा जब आपका मेन टारगेट जो है वो नीको विलियम्स हैं, आप डेनी ऑल्मो के ऊपर जा रहे हैं, आपको प्लेयर सेल करनी है, तो एंड तक आपका वेट नहीं करेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मिकेल मेरिनो टू आर्सेनल हो जाएगा एंड देन यू हैव टू लुक फॉर अदर ऑप्शन एज फार एज डीएम इज कंसर्न। मैं तो बहुत दफा ये कह चुका हूं कि बारसा अगर रफीनिया को सेल भी करता है, गुंडोगोन को भी सेल करता है, डेनी ऑल्मो इज अ ब्रिलियंट प्लेयर, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बारसा सिस्टम में फिट करते हैं, गो फॉर अ स्ट्राइकर, अगर जूनियर अल्वारेज अवेलेबल हैं तो स्ट्राइकर के ऊपर जाएं, अगर जुबमेंडी अवेलेबल हो जाते हैं, किमिक अवेलेबल हो जाते हैं तो डीएम पोजीशन के ऊपर जाएं, वहां पे ज्यादा रिक्वायरमेंट है। सो गाइस दिस वाज द न्यूज जो मैंने आपको काफी ज्यादा डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर दिया, अपना ओपिनियन दे रिगार्डिंग एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।